नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सॉल्यूशन बाय आरएमएन अनिका। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सीआरपीएफ में सर्विस कर रहे हैं तो अमूमन जो है साल में जो है आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है, और वो टैक्स जो पे होता है दोस्तों वो हम अपनी सैलरी से कटवाते हैं। तो उस टैक्स की जो मनी होती है आप उसको कैसे सेव कर सकेंगे उसके बारे में बताऊंगा कि होता क्या है कि हम जो है अपना जो 4 महीने का जो हमारा टैक्स कटता है तो हम क्या करते हैं, कहीं अमूमन जो है सीआरपीएफ सैलरी से ही जो हमारी जो सैलरी होती है पर मंथ उससे हम अपना जो है पैसा कट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का टैक्स ज़्यादा आता है तो वो क्या करता है कि 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अपनी सैलरी से ही पहले से ही जो है एडवांस पैसा जो है वो कटवाना स्टार्ट कर देता है। तो उसके अंदर में दोस्तों क्या आपको जो है उसमें नुकसान होगा वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में जो है मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगा भी, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनको नॉलेज नहीं होगा, तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में उनको ये अच्छा नॉलेज मिल जाएगा और वो अपनी जो है हार्ड मनी है जो आपके जो खून पसीने की कमाई है उसको बचा सकेंगे। दोस्तों होता क्या है कि आप अपने जो है इकट्ठा जो है मोटी रकम टैक्स में ना जाए इसलिए पर मंथ हम अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट कटवा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का टैक्स जो है 1 लाख रुपये आना है तो वो क्या करेगा कि 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कटवाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि 12 महीने में 60,000 रुपये उसने जो है इंस्टॉलमेंट में दे दिया, बचा 40,000, तो पर मंथ 10,000 रुपये उसको देना पड़ेगा 4 महीने में। नहीं तो अगर वो क्या कहते हैं अगर इंस्टॉलमेंट वाइज नहीं कटवाता तो वही जो है 1 लाख रुपये उसको 4 महीनों के अंदर में पे करना होता है, यानी 25,000 रुपये पर मंथ उसको पे करना होता है, तो जो कि वो बर्डन पड़ता क्योंकि सैलरी आती उसकी 60 या 70,000 रुपये जिसमें से पर मंथ उसको 25,000 टैक्स कट जाता, तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है। इसलिए अमूमन जो है कार्मिक ऐसा करते हैं कि अपनी सैलरी से पैसे को कटवा करके और एक तरह का अपना बैकअप रखते हैं कि मेरा ऑलरेडी जो है इंस्टॉलमेंट में मेरा जो है टैक्स कट रहा है और अब मेरा इतना पैसा रह गया जो कि मैं 4 महीने में इजीली पे कर दूंगा। लेकिन दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा नुकसान जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नुकसान ये रहता है दोस्तों कि आप जो पैसा जब अपने सैलरी से कटवाते हैं तो वो पैसा जो होता है आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते इन केस ऑफ कोई भी एमरजेंसी अगर आपके ऊपर में आ जाती है। कैसे दोस्तों, मान लीजिए कि कार्मिक है जिसने 5,000 रुपीज़ पर मंथ कटवाया अपने डिपार्टमेंट में एडवांस टैक्स के तौर पे, यानी कि 12 महीने में उसने जो है 60,000 रुपया जो है एडवांस टैक्स के तौर पे जमा किया। तो दोस्तों इसमें 60,000 रुपये आपने एडवांस टैक्स में तो जमा कर दिया, लेकिन जो पैसा आपने कटवाया है उसमें आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पहला नुकसान आपका। और दूसरा नुकसान ये है कि अगर कुछ इमरजेंसी आ गई इन 12 महीने के बीच में तो वो जो पैसा आपने कटवाया है वो पैसा आपके हाथ में नहीं होगा। अब ऐसा कार्मिक कि जो जो मैं बताने वाला हूँ अगर वो करता है तो उसको कितना बेनिफिट होगा, उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, साथ में वो पैसा आपको इमरजेंसी में यूज़ हो सकता है, तो उसको मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ। करना क्या चाहिए दोस्तों, मेरे हिसाब से जो मैं भी करता हूँ, जो मेरे कुछ कलीग्स हैं वो भी ऐसा करते हैं कि जो 5,000 रुपये आप मान लीजिए कोई कार्मिक कटवा रहा है डिपार्टमेंट से एडवांस टैक्स में, तो उसको आप वहाँ न कटवा करके एक अपने बैंक में आरडी खोल दीजिए पर मंथ 5,000 रुपीज़ की, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। तो मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 5,000 रुपीज़ की, तो आपने पर मंथ 5,000 रुपीज़ आपने अपना एज इनकम टैक्स के तौर पर एक आरडी खोल दी कि मेरी पर मंथ 5,000 रुपये मैं आरडी खोलूँगा और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो उसको मैं निकाल लूँगा। तो आप 12 महीने तक अगर 5,000 रुपये जमा करते हैं दोस्तों तो होता है ये 60,000 रुपया, और अमूमन मान के चलते कि 6% आपको आरडी का ब्याज मिलता है, तो आपका बेनिफिट क्या हुआ, एक तो आपको उस पैसे को जो वहां जमा किया है आपको 6% ब्याज मिल गया, यानी समथिंग 3600 रुपये आपको ये मिल गया। उसके बाद में अगर बीच में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आपको कोई काम करना पड़ जाए या कोई ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आपको कुछ प्लॉट लेना है, बच्चे की एजुकेशन के लिए एडमिशन फीस जमा करनी है, तो वो जो पैसा आपने आरडी में जमा किया है दोस्त तो उस पैसे को आप निकाल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। आरडी जो होती है दोस्तों बहुत इजी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से खुल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे ये आएगा क्वेश्चन कि सर जो पुराने आदमी वो कैसे करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो डरते हैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज़ करने में क्योंकि धड़ल्ले से जो है फ्रॉड भी हो रहा है, तो उसका भी एक सोल्यूशन है दोस्तों। आप बैंक में जाइए, वहाँ पर अपनी आरडी खोल दीजिए और जब भी आपका मन करता है अपने बैंक में जाकर के आरडी को तुड़वा दीजिए। ऑनलाइन माध्यम से आरडी जो है विद इन 30 to 40 seconds में आरडी खुल जाती है, और जब भी आपको आरडी को तोड़ना है 30 to 40 seconds के अंदर में आप अपनी आरडी को तोड़ करके आपकी जो अमाउंट है विद इंटरेस्ट आपके पास में आ जाती है। तो मेरे हिसाब से जो भी एडवांस टैक्स के तौर पर मंथ पैसा कटवा रहा है मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है पर मंथ अपनी आरडी खोलिए, अपने अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाया करेगा, और वो पैसा फिर जब आपका टैक्स पे करने का टाइम आता है तब आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपने आरडी खोलनी है, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 5,000 रुपीज़ की है तो पूरी 5,000 रुपये की आरडी एक मुश्त नहीं खोलनी है, आपने उसको 3 भागों में या 2 भागों में बांट देना है। मान लीजिए 5,000
5000 के आईडीए, तो मैं उसको तीन भागों में बांट दूंगा, 2000, 2000 और 1000, यानी कि तीन आईडीए मेरे पास में, एक 2000 की है, एक 2000 की और एक 1000 रुपये की है। इसमें फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए बीच में कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी काम पड़ जाता है, तो आपके पास में तीन आरडी है, आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी एक आरडी को या दो आरडी को तोड़ सकते हैं। वहीं अगर आपने एक सिंगल आरडी की है 5000 रुपये की, तो आपको पूरी तोड़नी पड़ जाएगी, लेकिन आपके पास तीन ऑप्शन हैं, आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी एक आरडी को तोड़ के उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी की दो आरडी आपकी रेगुलर चलती रहेगी जो आपके काम आएगी। दूसरा, अगर आप ऐसी तीन आरडी या चार आरडी खोल लेते हैं, तो जब आपका टैक्स कटेगा, मान लीजिए नवंबर के महीने में आपका टैक्स कटा, तो आपके पास चार आईडियाँ थी, तो आप इस चारों आईडियों को पर मंथ के हिसाब से रख लीजिए कि मैं हर महीने में एक आईडी तोड़ता जाऊंगा, कि यहाँ से मेरा टैक्स कटेगा और वहाँ से मेरे आईडी का पैसा मेरे पास में आ जाएगा विद इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये बात बहुत पते की है, अगर आप इसको सोचेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, आपकी जो हार्ड अर्न मनी है दोस्तों वो डेफिनेटली बचेगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा आरडी का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक मुफ्त रकम जो होती है धीरे धीरे कट करके आपके अकाउंट में सेव होती जाती है, आपको इंटरेस्ट मिलते जाता है, फिर कोई भी इमरजेंसी आती है उस पैसे को आप जो है समय पर यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप जो अभी एडवांस टैक्स पे तौर पे अपने सैलरी से पैसे कटवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें यही नुकसान होता है कि आपको ना तो इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद में जब आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उस पैसे को आप निकाल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों बात पती कि इस पर एक बार गौर फरमाइएगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया है वीडियो देख करके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि यही ऐसे करेंगे तो ऐसा रहेगा। इसलिए आरडी खोल दीजिएगा, ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, विद इन 30 सेकेंड्स आपकी आरडी खुल जाएगी, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं तो आप बैंक में जाइए, छुट्टी जाते हैं बैंक में जाइए और अपनी आरडी को ओपन कर दीजिए, पर मंथ पैसा कटाइए, और इंटरेस्ट और एमरजेंसी में जो पैसा है वो भी आपको जो है बेनिफिट देने वाला होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो मैंने चीज़ बताई है, ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो चीज़ बेनिफिशियल है हमारे जवानों के लिए, हमारे बल के कार्मिकों के लिए, फिर चाहे वो CRPF में हो, BSF में हो, ITBP में हो, उन सभी को जो है उनकी हार्ड मनी है उनको रियल वर्थ मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको जो इंटरेस्ट जो मिलना है, मान लीजिए कोई अभी तो मैं 5000 की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा कार्मिक हुआ जिसका पर मंथ 20000 रुपये सेव कर रहा, तो बताइए 20000 रुपये सेव कर रहा तो 2,40,000 और उसका 6% ब्याज बताइए साल कितना होगा, तो ब्याज का कितना बड़ा नुकसान होता होगा उस कार्मिक को। तो अगर आप ये चीज़ कर देंगे जो मैंने बताई है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। बस ध्यान रखिएगा, कोई भी आरडी करनी है तो उसको पार्ट में बांट देना, यानी कि उसको जो है चार भागों में, पांच भागों में, तीन भागों में पक्का बांट देना है, ताकि इमरजेंसी के वक्त में आप किसी भी एक आरडी को या दूसरी आरडी को तोड़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि पूरा अमाउंट आपने डाल दिया और जब जरूरत पड़ी तो आपको पूरी आरडी को तोड़ना पड़ रहा है, उसमें बस यही होगा कि आपका इंटरेस्ट जो होगा वो मर जाएगा। देखिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्म लगी है और आप चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और संभव एप्लीकेशन की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बल्ब से लेकर कोई भी जो है बेनिफिट चीज़ें होती हैं, मैं समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।